बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मियां मोहम्मद आसफ अशरफी, मियां रफीक स्टेट के चैनल से एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी जो खूबसूरत और बेहतरीन घर का ख्वाब रखते हैं। आइए इस घर का विजिट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अब आपको 3 महीने का ब्रैंड न्यू घर, बहुत ही खूबसूरत घर, मैं आओ आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये सर देखें, ये मेन डोर है, इतना खूबसूरत है, बाथरूम दिया हुआ है। तो सर ये ऊपर से इसका एलिवेशन देखें, कितना खूबसूरत है। आए मैं अब आपको अंदर से जा देखा। सर देखिए, मास्टर गाड़ी का गैराज है, बहुत ही खूबसूरत गैराज, अच्छों का जो उन्होंने मार्बल का इस्तेमाल किया है वही बहुत खूबसूरत है। ये देखें, इतनी खूबसूरत पेंटिंग की हुई है, डिशों का बहुत खूबसूरत ने काम किया हुआ है। ये मेन डोर है, ये पैनिंग का काम बहुत खूबसूरत किया हुआ है। आए मैं आपको ये बॉर्डर दिखाता हूँ, ये सारे बॉर्डर हूँ मैं, ये डाइनिंग बहुत खूबसूरत लगी। आएगी ये फिल्म डिज़ाइन देखें, कलर का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरत किया हुआ है। आए सर मैं अंदर से दिखाता हूँ, इसका मेन एड्रेस है, मेन एड्रेस ये देखें। और ये टीवी लॉन्ज है, टीवी लॉन्ज में मार्बल का इस्तेमाल, डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत की हुई है। और ये वुड का काम देखें, उन्होंने जो स्पेस की यूटिलाइज बहुत ही खूबसूरत की हुई है। और सेम डिज़ाइन देखें सर, कितना खूबसूरत है, लाइटिंग का काम कितना खूबसूरत है, ये फलूस कितना प्यारा लगा हुआ है। और सर ये साथ ही किचन है, किचन में आए आपको दिखाते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम, ये कैबिन बने हुए हैं, ये चूल्हा, यानी कि आपको यहाँ आकर कोई काम करने की प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें सैनिटरी का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। ये देखें सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें फ्रूट वगैरह प्यार रखने के लिए ये उन्होंने सारा काम किया हुआ है। ये पेंट देखें, कितना ही ज़्यादा पेंट किया हुआ है, जैसे वॉल पेपर लगा हुआ है। आइए नीचे वाला बेड है तो आप बताते हैं, ये देखिए मार्बल की डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत है, सीलिंग की डिज़ाइनिंग देखें सर कितनी प्यारी है। और इसके सामने दीवार देखें, किस तरह पेंटिंग उन्होंने की हुई है, ठीक है सर। और ये वुड का काम देखें सर, हर कमरे में अलमारी है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और मजबूत शोल्डर काम किया हुआ है। और ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया कितना है आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये आप शालू में बनाई हुई है, यूटिलाइज अच्छा किया हुआ है, वॉशिंग एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यूटिलाइज इन्होंने ये आप शार का भी किया हुआ है, ये देखें सर ये मुकम्मल ओपन एरिया को मुकम्मल आप शार से खूबसूरत किया हुआ है। और आए ये साथ ही इसका अटैच बाथ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सर ये अटैच बाथ है, ये बेसन, ये कंपाउंड और टाइलिंग की डिज़ाइनिंग देखें, और इन्होंने काफ़ी हाई तक टाइलिंग लगाई है, ऊपर से भी डिज़ाइन देखें। सेफ्टी का भी अलहमदिल्ला उन्होंने कहा बहुत ही पायदार और अच्छा मटेरियल यूज किया है। आज मैं आपको दोस्तों ऊपर लेके चलता हूँ ऊपर वाली यूनिट में। ये सीढ़ियाँ टीवीओं से ऊपर जा रही हैं और नीचे मार्बल भी काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है, मार्बल देखें सर। ये साथ उन्होंने स्टील की बहुत ही मजबूत और सॉलिड ग्रिल का इस्तेमाल किया है। और ये देखें सर, जब सीढ़ी ऊपर आ रही है तो उन्होंने खूबसूरती के लिए ये मार्बल, ये पत्थर का इस्तेमाल किया है, ये घर की खूबसूरती है। ये देखें जब हम ऊपर आए ऊपर टीवीओं के ऊपर कार्नर के सामने उन्होंने किचन दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर मुकम्मल किचन है, उसमें चूल्हा वगैरह और बेस और जो क्या कहते हैं सिंक ये भी दिया हुआ है। आए सर इसको मैं चलते हैं इसको बताते हैं आपको, ये नीचे सर मार्बल, ऊपर सीलिंग डिजाइन, दीवारों का पेंट कितना खूबसूरत, और ये ओपन एरिया की जो विंडो लगी हुई है, विंडो और ये आप शार्ट का मोड़ ज़्यादा आबो हवा,
और ये खुद का काम, ये देखें नीचे तक आबशार, इतना प्यारा मंजर नज़र आ रहा है। और ये खुद का काम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, इसकी हाइट भी माशाल्लाह काफ़ी है। ये आपको दिखाती हूँ अंदर से, आपने बहुत सारे घर देखे होंगे लेकिन इस तरह घर, इस तरह का काम आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, खूबसूरत काम किया होगा। टाइम बहुत है, उसको भी आपको दिखाते हैं इसकी कलर डिजाइनिंग का कंट्रास्ट वगैरह, ये देखें सर टाइलिंग देखें, और इसकी हाइट भी माशाल्लाह काफ़ी है। ठीक हो गया सर, ये बेसन, ये इंडियन सीट लगी हुई है CW, ठीक है। सीलिंग डिज़ाइन देखें सर, बहुत ही खूबसूरत है। आए हम आपको दूसरे रूम में लिए चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, इतना ये घर बहुत ही कम कॉस्ट मिलते हैं, बहुत ही मुनासिब कीमत में ये घर है। आज ये मास्टर बेड है, ये मास्टर बेड है, ये 15x15 का बेड है। और ये देखें ये टाइल्स है, ये टाइल्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये कलर डिजाइनिंग, ये सीलिंग डिजाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है। ये वुड का काम, ये अलमारी वगैरह बनी हुई है, ये देखें सर। हर रूम में वुड का काम प्रॉपर है, और आए के साथ अटैच बात है। इसकी कलर डिजाइनिंग देखें कितनी खूबसूरत है, दिलकश है कितना। ये देखें हमने बेसन बोर्ड लगा हुआ है, और कॉर्नर को इन्होंने विंडो के साथ रोशनी के लिए इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया है। और ये सामने ऊपर है, वो क्या कहते हैं इसको, अफजाक्स, ये सीलिंग लाइन। आए हम छत पे चलते हैं, और छत देखते हैं कि छत कैसी है, इन्होंने बनाई है सीलिंग लाइन। ये छत का रास्ता आपको जा रहा है टीवीरों से, ये मार्बल स्टील की है। आए दोस्तों हाँ जी, ऊपर ये स्टोर है, ऊपर काफ़ी पुराना स्टोर किया हुआ है और खूबसूरत स्टोर है। आइए हम छत बाहर छत की बात करते हैं, छत है, ये छत के ऊपर देखें अक्सर लोगों ने टाइल लगाई होती है, तो दोस्तों इन्होंने यहाँ भी मार्बल का इस्तेमाल किया है। और ये ओपन एरिया है, ओपन एरिया से नीचे का व्यू देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, प्यार लगेगा। काफ़ी कुशादा ओपन एरिया है, हवादार है। इसी तरह दूसरी तरफ चलते हैं आगे, ये देखें यहाँ भी तमाम छत पे मार्बल का इस्तेमाल अच्छा किया हुआ है, दीवारों पे ढोकवल की हुई है। ये देखें ममसी, देखें सर कितनी बड़ी ममसी। तो दोस्तों इस साथ का व्यू देखें, देखिए कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घर बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये सर्विस बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321413504। अस्सलाम वालेकुम, मियां मोहम्मद आसिफ अशरफी।